हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है रीजनरेशन और किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, मैं आपको बताऊंगी। तो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रीजनरेशन इन लिजार्ड, रीजनरेशन इन हाइड्रा, रीजनरेशन प्रोसेस इन प्लेनेरियंस एंड मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन इन हाइड्रा एंड एपिमॉर्फिक रीजनरेशन क्या होता है एम्फीबियन लिम में, वो आपको डिस्क्राइब करना होता है। रीजनरेशन इन एनिमल्स एंड कंपनसेटरी रीजनरेशन क्या होता है। तो बेसिकली आपको रीजनरेशन जो भी फील्ड है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रीजनरेशन इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग और रिस्टोरिंग डैमेज और मिसिंग सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड इवन एंटायर बॉडी पार्ट्स टू फुल फंक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो रीजनरेशन क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी डैमेज या कोई भी ऐसा मिसिंग सेल होता है या फिर कोई रिप्लेसिंग सेल होता है, उसको रीजनरेट किया जाता है जैसे पहले था वो। अगर कोई पार्ट डैमेज हो गया तो जैसे पहले वो था वो उसी टाइप का बन जाता है, तो और जैसे वो फंक्शनिंग उसका था सेम। तो प्लांट्स में भी होता है एंड एनिमल्स में भी होता है। तो टाइप्स की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। फर्स्ट वी हैव मॉर्फोलैक्सिस। मॉर्फोलैक्सिस में क्या होता है, दिस टाइप रीजनरेशन अकर्स मेनली बाय द रीमॉडलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यूज एंड रीस्टेबलाइजमेंट ऑफ बाउंड्रीज, दस इन्वॉल्विंग वेरी लिटिल न्यू ग्रोथ। तो मॉर्फोलैक्सिस में क्या होता है, जो भी एग्जिस्टिंग टिश्यूज होती हैं उनकी रीमॉडलिंग और रीस्टेबलाइजमेंट किया जाता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, बहुत कम अमाउंट में ग्रोथ होती है। एज अ रिजल्ट द रीजनरेटेड इंडिविजुअल इज मच स्मॉलर इनिशियली, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है एंड और इसमें जो एग्जिस्टिंग सेल्स टिश्यूज होती हैं उनमें ही रीमॉडलिंग होती है, ठीक है। इट्स सब्सिक्वेंटली इंक्रीजेज इट्स साइज एंड बिकम्स नॉर्मल आफ्टर फीडिंग। दिस टाइप ऑफ जनरेशन नोन एज मॉर्फोलैक्सिस और मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन होता है, जैसे कि रीजनरेशन ऑफ हाइड्रा फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ इट्स बॉडी। तो मैंने बोला ना, जो भी पार्ट है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, इसमें रीजनरेशन जो हाइड्रा में होता है उसमें प्री एग्जिस्टिंग पार्ट है, जो एग्जिस्टिंग पार्ट है उसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है और बहुत कम ग्रोथ होता है। और जैसे पहला एक हाइड्रा होता है एडल्ट, उसी तरीके से ये उस फ्रैगमेंट से बन जाता है, ठीक है। एपिमॉर्फोसिस का क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस टाइप रीजनरेशन इन्वॉल्व्स डिफरेंशिएशन ऑफ एडल्ट स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू फॉर्म एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। दे आर हाईली प्रोलीफरेटिंग एंड एक्यूमुलेट अंडर द एपिडर्मिस विच हैज़ ऑलरेडी एक्सपेंडेड विद इन 2 days, बल्ब ट्रांसफॉर्म इन टू अ कोनिकल हम। दिस हम ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल्स अलॉन्ग विद द एपिडर्मल कवरिंग इज कॉल्ड रीजनरेशन बर्ड और रीजनरेशन ब्लास्टिमा। तो देखिए इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जो भी इस टाइप में रीजनरेशन इन्वॉल्व होता है इसमें डिफरेंशिएशन होता है, डी डिफरेंशिएशन होता है, जो भी एडल्ट स्ट्रक्चर होता है एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनाने के लिए। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंडर जो भी जो एपिडर्मिस होता है उसके नीचे जो भी हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं वो एक्युमुलेट हो जाती हैं, 2 days में बहुत ज़्यादा एक कोनिकल सेप बना लेती हैं, जिसे हम हम्प कहते हैं, कोनिकल हम्प कहते हैं। एंड दिस हम ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल अलॉन्ग विद द एपिडर्मल कवरिंग इज कॉल्ड रीजनरेशन बर्ड और रीजनरेशन ब्लास्टिमा कहते हैं इसको। जैसे कि हमारे बॉडी में देखिए, जैसे क्या होता है कि कोई भी पार्ट अगर डैमेज होता है तो वहाँ पे जो भी सेल्स, जो भी टिश्यूज प्रेजेंट है उसकी रिपेयरिंग करने लगती है और बल्ज बनाने लगती है। तो उसी टाइप का ये कह रहा है, द डी डिफरेंशिएटेड सेल कंटिन्यू टू प्रोलीफरेट एंड फाइनली री डिफरेंशिएट टू फॉर्म अ रूडिमेंट ऑफ द लिम। द रूडिमेंट eventually transform into a limb and this type of regeneration is known as apomorphosis or apomorphic generation कहते हैं। तो इसका example मैं आपको दिखाऊंगी, तब आपको समझ आएगा कि ये क्या है, क्या रहा है, ठीक है। जो regeneration जो होता है ना tail में, मतलब tail में जो होता है lizard में, तो जब आपको पता होगा lizard में क्या होता है generally, कि जब भी enemy से अपने आप को protect करने के लिए जो लिजर्ड वगैरह छिपकली जो होती है वो अपने टेल को अपने बॉडी से अलग कर देती हैं, बाद में वही टेल फिर रीजनरेट हो जाता है। तो ये इसी में आता है। और जो सेलमेंडर, जो एम्फीबियंस में लिम्ब डेवलपमेंट होता है, ये भी इसी टाइप का होता है। तो अभी देख लेते हैं किस टाइप का हो जाएगा, किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। पहले तो द मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन इन सेलमेंडर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेजेस। कौन कौन से स्टेजेस हैं,
पहला तो वुंड हीलिंग, जैसे मैंने बताया ना आपको चोट लगती है उसी तरीके से ये एपिमॉर्फोसिस के अंदर ऐसे ही होता है। द एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम द एज ऑफ द वुंड माइग्रेट एंड स्प्रेड ओवर द एक्सपोज सर्विस, दिस इज नोन एज वुंड हीलिंग। जो भी घाव है ना एपिडर्मल सेल्स होती हैं जहाँ भी वो घाव होता है वहाँ पे माइग्रेट कर जाती है और वो सरफेस पे एक्सपोज हो जाती हैं एंड इसी को कहते हैं वुंड हीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लास्टिमा फॉर्मेशन, जो बर्ड फॉर्म हो रहा था। अ फ्यू डेज लेटर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स एक्यूमुलेट इनसाइड द एपिडर्मिस रिजल्टिंग इन अ बल्ज एंड दिस इज नोन एज रीजनरेशन बर्ड और ब्लास्टिमा कहते हैं जिसे। नेक्स्ट क्या होता है, रीडिफ्रेंसीशन होता है। रीडिफ्रेंसीशन की बात करें, रीडिफ्रेंसीशन एंड मॉर्फोजेनेसिस होता है। द ब्लास्टिमा डेवलप रूडिमेंट्स ऑफ द लॉस्ट ऑर्गन्स लाइक द डिजिट्स विच ग्रो इनटू न्यू डिजिट्स। तो जितने भी ऑर्गन्स थे, जो पार्ट्स थे बॉडी पार्ट्स, वो ब्लास्टिमा से फिर रीजनरेट होने लगते हैं। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कैसे होता है, द रीजनरेटेड लिम्ब इंक्रीजेज एंड अटेंड्स द साइज ऑफ अ नॉर्मल लिम्ब। तो बाद में ये साइज अटेंड कर देता है जैसे नॉर्मल लिम्ब होता है। हेयर तो एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे मान लीजिए कोई वुंड हुआ, यहाँ पे जो भी एपिडर्मस है, यहाँ पे सेल्स वगैरह जो भी टिश्यूज है वो माइग्रेट कर लाती है, सरफेस पे एक्सपोज हो जाती है, देन यहाँ पे बर्ड फॉर्म करती है जिसे हम ब्लास्टिमा कहते हैं। ब्लास्टिमा जो होता है ये धीरे धीरे इसमें जितने भी रूडिमेंट्स पार्ट्स हैं, लिम्ब वगैरह जो भी डिजिट्स वगैरह ग्रो करने लगती है लिम्ब के, एंड फिर वो एडल्ट जितने भी एडल्ट का साइज है उसको अटेंड कर लेती है। तो ये एग्जाम्पल होता है, आप देख सकते हो। इसमें आपको एक कलरफुल अगर वो मिल जाता ना, मैं इमेज तो मैं आपको दिखा देती, तो चलिए उसको मैं अलग से दिखा सकती हूँ बाद में। तो इसको आप या तो फिर आप वीडियो सर्च कर लेंगे ना, तो उसमें क्लियरली आपको पूरा दिख जाएगा किस तरीके से ये लिम्फ फॉर्मेशन हो रही है। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो ये आपका जो जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ये ओके ओके रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट टाइप की। तो ये रिपेरेटिव रीजनरेशन होता है। रिपेरेटिव रीजनरेशन क्या होता है, दिस इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट्स और रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी ऑर्गन्स। इन दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन वुंड इज रिपेयर्ड और क्लोज्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ द एडजॉइनिंग एपिडर्मिस ओवर द वुंड। ठीक है, इसमें रीजनरेशन ऑफ लिम्ब इन सेलमेंटर जो होता है, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट टेल इन द लिजर्ड और यहाँ पे हीलिंग ऑफ वुंड। तो अभी जैसे हमने पढ़ा ना एग्जाम्पल यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ इसमें तो वही चीज़ें इसमें भी है, वही रिपेरेटिव में भी वही होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि सलमेंडर जो एम्फीबियंस है उसमें उसी तरीके से इसमें भी होता है, रिप्लेसमेंट होता है जो भी लास्ट पार्ट जो भी लॉस्ट पार्ट है उसका रिपेयर होता है डैमेज बॉडी ऑर्गन्स का, फिर वो नया रीजनरेट हो जाता है, वो हीलिंग होती है, इस तरीके से वही चीज़ें हैं। ऑटोटोमी क्या होती है, टर्म याद कर लीजिएगा। ऑटोटोमी क्या होती है, इन सम एनिमल्स लाइक स्टारफिश सम of the parts, some of the body part is broken off on being threatened by a predator. जैसे अभी lizard में मैंने बताया ना कि जो भी predator से उनसे बचने के लिए सब जब body parts होते हैं वो अपने body को छोड़ देते हैं, उनको अलग कर देती हैं। This phenomena of self multi mutilation of the body is called autotomy. जो ये mutilation की जो process होती है जिसमें वो predator से बचने के लिए बॉडी के कोई पार्ट्स को अपने से अलग कर देती हैं, तो ये ऑटोटोमी होती है। एंड ये टाइप्स नहीं है, ये बस उसी के अंदर आता है, वो टर्म होता है जो यूज़ होता है। जैसे क्रैब में जो होता है ना, वो अपने अपने जो लेग है ना, उसको लेग ऑन अपेंडिजेज ऑफ द एनिमी, तो ये जब भी जो लेग होता है, अपेंडिजेज होता है, वो लीव अपने बॉडी से ब्रेक कर देती हैं जब भी वो एनिमी से बचने के लिए करती हैं। होलोथ्यूरियंस में भी होता है, इंटरनल जो विश्रा है उसको थ्रू कर देती है, बॉडी से अलग कर देती है। और स्टारफिश में जो उनके आर्म्स होते हैं उसको बॉडी से अलग कर देती है। तो इस टाइप की ऑटोटोमी होती है जो कि प्रीडेटर से बचने के लिए करते हैं। फिर रीजनरेशन इन हाइड्रा की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ द बॉडी कैन गिव्स राइज टू अ होल एनिमल। ठीक है, तो कोई भी इनका एक फ्रेगमेंट होता है बॉडी का, अगर वो निकाल दे तो उसमें एक नया ऑर्गेनिज्म एज इट इज एडल्ट की तरह फॉर्म हो जाता है। तो इसको कहते हैं रीजनरेशन इन हाइड्रा, या रीजनरेशन ही होता है कि इसमें कोई भी फ्रेगमेंट होता है तो हाइड्रा में इस टाइप का होता है। और व्हेन अ हाइड्रा और अ प्लेनेरिया इज कट इन टू मैनी पीसेस, इच इंडिविजुअल पार्ट रीजनरेट्स इन टू अ होल इंडिविजुअल। मतलब जितने भी पार्ट्स एक एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगे। तो मैकेनिज्म की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो एडल्ट हाइड्रा है, और ये देखिए इस मैकेनिज्म में यहाँ से कट किया जा रहा है। ठीक है,
अब ये अलग हो गए, अब यहाँ से जो एक दोनों हैं, दोनों जो हैं एक एडल्ट में ग्रो हो जाएंगे, इसका नीचे का पार्ट डेवलप हो रहा है, इसका ऊपर का अपर पार्ट डेवलप हो रहा है, तो ये ग्रोथ हो रही है। उसके बाद ये ग्रोथ होगी, पहले तो ये दोनों में ऐसे हो गया, रीजनरेशन होगा दोनों में, और ये एडल्ट हाइड्रा बन जाएंगे। तो जितने भी फ्रेगमेंट्स होते हैं एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। ये रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया और हाइड्रा में। इन प्लेनेरिया एंड इन हाइड्रा देयर आर अनडिफ्रेंसिएटेड सेल्स कॉल्ड नियोब्लास्ट विच मल्टीप्लाई एंड देन माइग्रेट फ्रॉम द डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी द कट सरफेस। तो ये देखिए, इसमें अनडिफ्रेंसिएटेड सेल्स होती हैं जिसको हम नियोब्लास्ट कह रहे हैं, जो कि मल्टीप्लाई होती हैं और माइग्रेट हो जाती है जहाँ पे कट होता है, जो भी कट सरफेस होता है उसकी तरफ माइग्रेट हो जाती हैं। एंड पोलैरिटी और इन रीजनरेशन की बात करें तो पोलैरिटी क्या होता है रीजनरेशन में, दिस बॉडी सेगमेंट ऑफ हाइड्रा और प्लेनेरियंस एग्जिबिट डिस्टिंक्ट पोलैरिटी ड्यूरिंग रीजनरेशन। दे आर इंटीरियर एंड और द एंटीरियर एंड ऑलवेज रीजनरेट इन टू हेड एंड पोस्टीरियर इन टू द टेल। तो ये पोलैरिटी है कि जो भी एंटीरियर पार्ट है वो डेवलप हो जाएगा हेड में, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो टेल में डेवलप होगा, ठीक है। रीजनरेशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर इन हाइड्रा बाई ट्रेम्बल, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, हाइड्रा में पहली बार डिस्कवर किया गया था, क्लियर। अब हम रीजनरेशन की बात कर रहे हैं तो बाकी में भी तो करना है हमें, रेप्टाइल्स में भी तो थोड़ा बहुत देखना है, तो रेप्टाइल्स में देख लेते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स के अंदर हम लिजार्ड में देखते हैं, तो लिजार्ड एग्जिबिट्स ऑटोटोमी। ऑटोटोमी मैंने आपको बताया कि जिसमें प्रीडेटर से, दुश्मनों से बचने के लिए अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को ब्रेक्स ऑफ कर देती हैं। वैन थ्रेटेंड लिजार्ड एग्जिबिट्स ऑटोटोमी, वैन थ्रेटेंड द लिजार्ड डी अटैच कर देती है स्टिल नियर द बेस ऑफ द बेस टू कन्फ्यूज इट्स प्रीडेटर एंड लेटर रीजनरेट्स अ न्यू टेल। तो बेसिकली प्रीडेटर को कन्फ्यूज़ करने के लिए अपने बॉडी से जो टेल रीजन है उसको डी अटैच कर देती है, ताकि जो भी प्रीडेटर है उसको ये लगे कि लिजर्ड यहाँ पे है, मतलब वो जिस ऑर्गेनिज्म के सर्च में है वो प्रीडेटर, उसको कन्फ्यूज़ करने के लिए ये ऐसा करती है, ठीक है। बहुत अच्छा है ये अपने आप को बचाने के लिए। द न्यू टेल डिफर फ्रॉम द ओल्ड वन एंड इट सेव एब्सेंस ऑफ वर्टिब्री एंड द काइंड ऑफ स्केल कवरिंग इट। तो जो न्यू मतलब लिजर्ड में जो होता है उसमें जो टेल जनरेट हो रहा है वो डिफरेंट होता है साइज में, एब्सेंस ऑफ वर्टिब्री भी नहीं होती, काइंड ऑफ स्केल कवरिंग जो भी होता है वो डिफरेंट होता है लिजर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रोथ फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रीजनरेशन। देखिए जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं उसमें आपके जो वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं, वुंड हीलिंग इज ड्यू टू द एक सेकेंड जस्ट वन मिनट, हाँ यहाँ पे ना, हाँ वुंड हीलिंग इज द ड्यू टू द एक्सेलरेटेड माइटोसिस की वजह से होता है। दिस इज मीडिएटेड बाय द प्रोटीन्स कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर विच एक्ट लोकली। तो ग्रोथ फैक्टर होता है जिसकी वजह से वुंड हीलिंग होती है। EGF क्या होता है, EGF भी एक फैक्टर है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि स्टिमुलेट करता है एपिथीलियम को टू अंडरगो माइटोसिस, ठीक है, कि उसमें माइटोसिस हो। EGF जो होता है इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द सलेवरी ग्लैंड्स विच इज वाई एनिमल थिंकिंग लिकिंग हेट्स सॉरी लिकिंग हील्स एंड वुंड। तो ये जो EGF होता है ना, ये वुंड जो भी एनिमल्स होते देखा होगा अपने पैरों को वो चाटते हैं जब भी उनको चोट लगती है, तो ये जो EGF होता है ये हील्स कर देता है, मतलब हील करता है उसको, सही करता है जो भी घाव रहता है ऑर्गेनिज्म में। इसकी वजह से वो अपने पैरों को जो भी घाव लगा होता है या पैर में कहीं भी तो उसको चाटते रहते हैं ऑर्गेनिज्म EGF की वजह से। तो EGF का फुल फॉर्म बता ही दिया मैंने, तो EGF क्या है, एक EGF क्या है, एक वुंड हीलिंग की तरह काम करता है जो कि स्टिमुलेट करता है एपिथीलियम को अंडरगो माइटोसिस। प्लेटलेट्स का अपना नाम सुना ही होगा, आपकी बॉडी में ही होता है जो कि जो भी आपको बॉडी में रिपेयरिंग का काम करता है। तो प्लेटलेट्स ड्राइव GF ग्रोथ फैक्टर को ड्राइव करता है विच स्टिमुलेट्स द माइटोसिस ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एट द साइड ऑफ इंजरी टू फिल इन द डैमेज एरिया, ठीक है। जो भी डैमेज एरिया है वहाँ पे ये ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट करता है माइटोसिस को करने के लिए, और जो भी फाइब्रोब्लास्ट है उसकी माइटोसिस को जहाँ पे इंजरी है वहाँ पे जाते हैं उस एरिया को फिल कर देते हैं। FGF क्या होता है, FGF का भी देख लेते हैं। FGF जो है ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जिसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है EGF था, ये FGF है, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है एंडोथीलियल जो होते हैं ना, एंडोथीलियल सेल ऑफ द बॉडी उसको स्टिमुलेट करता है, ब्लड सेल्स के जो भी एंडोथीलियल सेल्स होते हैं इसको स्टिमुलेट करता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर।
जो कि डिवाइड हो जाता है, टू डिवाइड एंड हील द इंजरी इंजर्ड ब्लड से ब्लड एरिया, जो भी ब्लड एरिया है जहाँ पे ब्लड सेल्स डैमेज हुई हैं वहाँ पे वो इसको स्टिमुलेट करता है एंडोथीलियल सेल्स को कि डिवाइड हो जाए और हील करे ब्लड ब्लड सेल्स को. क्लियर? तो ये टॉपिक आई थिंक, हाँ अभी और भी एक. ओके हाँ, ये जो है ना, ये आई थिंक ऊपर का पार्ट है, एक बार देख लीजिए. जो हाइड्रा में मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे कुछ टर्म्स जो नहीं बताए थे जो इम्पोर्टेंट थे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, तो ये हाइड्रा का ही पार्ट है, इसको भी ऐड कर लीजिएगा ऊपर. तो हाइड्रा ग्रोज बाई कंटिन्यूस लॉसिंग, हाँ कंटिन्यूस लूजिंग सेल्स फ्रॉम इट्स बेस एंड बाई बर्डिंग. सेकेंड जो प्रोसेस होता है, अ ग्रेडियंट ऑफ इनहिबिटर इज प्रोड्यूस्ड बाई द हेड, दिस प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ अदर हेड. तो ये जो ग्रेडियंट्स होते हैं ना, ये प्रिवेंट करता है जो भी हेड है, नहीं तो तीन चार हेड फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. एक ग्रेडियंट इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर का वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस होता है हेड में, ताकि वो जो भी अलग अदर हेड फॉर्मेशन ना हो, एक ही हेड फॉर्म हो, तो इस तरीके से. ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा. और हाँ, हाइड्रा में ये और भी एक और तीन, वो दो पॉइंट मैंने बता दिया मैकेनिज्म का, ये दो तीन चार और रह गए हैं. द कंसेंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर इज रिड्यूस्ड, ताकि जो भी ग्रोथ है वो सही हो जाए. और द पोजिशनल वैल्यू इंक्रीज लोकली एंड द न्यू हेड इज़ फॉर्म विदाउट एनी न्यू ग्रोथ. ओके, तो उसी में है ये, लिख लीजिएगा. एक और टर्म है जो कंपनसेटरी रीजनरेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो अलग से मैंने बताया है, इसमें देख लीजिएगा कंपनसेटरी रीजनरेशन क्या होता है. दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये. दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन अकर्स व्हेन सम ऑफ द पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन डैमेज एंड इट रीजनरेट्स बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टिश्यूज. तो सेम ही, एक जैसे ही आपको सिमिलर ही लग रहे होंगे सारे. इन दिस द सेल्स डिवाइड बट डू नॉट अंडरगो डिफरेंशिएशन. इन दिस द सेल डिवाइड बट डू नॉट अंडरगो डिफरेंशिएशन. ये आई थिंक रिपीट हुआ है ये लाइन. ओके, सिमिलर सेल्स आर प्रोड्यूस बट डू नॉट फॉर्म अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू. तो एग्जाम्पल आपका है जो रीजनरेशन इन ममेलियन लिवर है, इसी का एग्जाम्पल है. ठीक है, कंपनसेटरी रीजनरेशन होता है. तो शॉर्ट नोट में आएगा, आप लिख सकते हो. बाकी आई थिंक आपको वीडियो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको नोट्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो. एंड वीडियो पसंद आती है तो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.